अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब लोग खैरियत होंगे। तीन चार महीनों के बाद एक गाड़ी ली है। मौलाना हमारे साथ है, रहमान। क्या हाल है रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। हमने उसकी जीएलआई ऑटो ली है, ब्लैक पेपर चढ़ा हुआ था पूरा, लाइटों पे, क्रोम पे। गाड़ी देखो कैसी हो रही है। चली हुई है जी एल आई ऑटो, ब्रैंड न्यू कंडीशन, पूरी जेन्युइन शीशा। अपना हाथ लगेगा उसको। LED सब लगी हुई है इसमें। 2024 का पहला ब्लॉग। अरे खींच के उतार दो, बस आराम से उतर। हेरू पर तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। वो तो नहीं, छुट्टी खड़ी है, 500 खड़ी है, एक और विट खड़ी हुई है, एक 500 और खड़ी हुई है, एक्वा खड़ी हुई है, ये वाइट कोरोला खड़ी हुई है। हमने यारिस तो भेज दी भाई, एक्वा खड़ी हुई है बजाज के शोरूम पे। एक कोरोला ये खड़ी है, एक पीछे वो खड़ी है, दो बाहर खड़ी हुई है। अभी जो है 9 बज रहे हैं, अभी जा रहा हूँ मैं अकील भाई के पास, क्योंकि इसका काम है, आपको पता है, गाड़ी लेते हैं और अकील भाई के पास ना जाएं तो गाड़ी जैसे ली नहीं ऐसा लगता है। इसके दरवाजों में थोड़ा आवाज़ है, वो भी सही हो जाएगा। पेट्रोल इसका ख़त्म हो गया है, मतलब लाइट चल रही है, वो भी सही लाइट है, वो तो पेट्रोल अलग ही सही होगी यार। इसके सारे शीशे जो है ना टिंटेड है, फ्रंट ये सारे। लोग तो बड़े शौक से कराते हैं, पर मैं बड़े शौक से इसको उतरवाऊंगा इंशाल्लाह। अभी जा रहा हूँ किल भाई के पास, पूरे शीशे का ले उतरवाऊंगा, और भी थोड़े छोटे मोटे काम हैं। एवरेज जो है वो 11.8 का दे रही है, बाकी कुछ पता नहीं कि इसका जो है वो सही है नहीं है क्या है। और ये इंडिकेटर जो है ना फ्रंट वाले डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट है, डायरेक्ट ग्रीजी। और लाइटें आप देख सकते हैं ग्रीन आ रही हैं सामने, तो रेव कर इसको। बस तू कोरोला है तू, मैं यारिस समझ के या फ्रीड समझ के उसको खींच रहा हूँ। फ्रीड में और यारिस में यार वो एक चीज़ इससे बेहतर है गियर, और वो थोड़ी सॉफ्ट इससे ज़्यादा है। बाकी ये बड़ी गाड़ी अंदर से आप रूम वूम ज़ाहिर आपको पता है, कोरोला सबको पता है, ठंडी सड़क पे ये स्पीड ब्रेकर उन्होंने बना दिया। इसकी शिफ्टिंग में थोड़ा सा फील होता है कि शिफ्ट हुई है, गियर शिफ्ट हुआ है, चार गियर होते हैं इसमें। मैं बोलूँ हवा कहाँ से आ रही है, फोग लाइट का बटन नहीं है, डायरेक्ट लगा हुआ है। अच्छा लाइट इसकी जो है ना शायद मैं चेंज कराऊँ, यार इसकी जो निकली थी इसमें लगवाऊँगा भाई। फुल में जो है ना वाइट है LED, किसी काम की नहीं लगी हुई। 10 बज रहे, अकील भाई के पास बैठा हुआ था। अभी साइड स्कर्ट आप देख सकते हैं, अकील भाई की मोहब्बत है, वो उन्होंने दे दी। उन्होंने बोला साइड स्कर्ट अगर आपको काम में आ जाए इस गाड़ी में तो आप लगा लेना। तो अभी मुकीम भाई के पास जा रहा हूँ। मुझे किसी और ने इन साइड स्कर्ट्स का 9000 पे रेट बताया। अभी मैंने अकील भाई से पूछा तो उन्होंने बोला 9000 की तो 0 मीटर भी नहीं है। ये वाइट कलर में, कलर मुझे करानी पड़ेगी ब्लैक कलर में। ये क्यों मैंने लिए, अकील भाई ने मुझे क्यों दिए, क्योंकि इसमें जो है ना फाइबर की लगी है, बहुत बुरी लगी है। अगर हमें नीड होगी तो ये लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। अगला बम्पर भी जो है ना वो भी अकील भाई ने मुझे बुलाया कि उन्हें मेरे पास पड़ा हुआ है, ज़ाहिर है वो फेस लिफ्ट करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला पड़ा हुआ है तो मैं आपको वो भी दे दूँगा, आप लगा लेना। क्योंकि हमारा आपस में कोई हिसाब किताब है नहीं, अकील भाई से मैं भी नहीं करता, वो ज़्यादातर वो नहीं करते, जो बात है। तो आपके सामने फोग लाइट है, वो फोग लाइट बोला, ये साइड स्कर्ट्स दे दी मुझे, बोला लगे हैं तो आप लगा लेना। सही है, अभी मुकीम भाई को दिखाता हूँ कि भाई क्या इनका होगा अगर निकल जाए। अंदर से अगर साफ होंगी ये फुट पेरियाँ इसकी ओरिजिनल, तो मैं छोड़ दूंगा। और अकील भाई से मैंने सलाह ली ना, हर गाड़ी की मैं सलाह अकील भाई से लेता हूँ, तो अकील भाई से सलाह ली तो वो बोल रहे हैं कि साइड स्कर्ट्स में आप लगाओ, क्योंकि इसमें जो रिमें लगी हुई है ना गाड़ी पे जचेंगी, गाड़ी एक भरम में आ जाएगी। खाली जो होंगे ना वो क्या होते हैं वो मड फ्लेपर ओरिजिनल लगाएंगे, वो इतना मज़ा नहीं करेंगे। बाकी LEDs का और इस काले शीशों का हम बाद में देख लेंगे, शायद चालान भी हो हमारा एक दो दफ़ा, क्योंकि हम शोरूम जाएंगे इन काले शीशों में। इंडिकेटर जो डायरेक्ट थे वो तो मैंने सही करा दिए, फ्रंट वाले जो थे ना दोनों पार्किंग पे थे तो वो मैंने सारे ओके करा दिए, अब ये सही हो गया।
बाकी छोटे मोटे जो काम ने जैसे लाइटों पे वो गम लगा हुआ है, काली लाइटें थी तो हमने उतारा तो कचरा था, कचरा बोल रहा हूँ उसका, टेप का जो गम होता है यार क्या बोलते हैं उसको, चिपक वो रही है, वो साफ़ हो जाएगी, उसका इशू नहीं है, बाकी सब ओके। हवा भी इसकी चेक करानी है मुझे, ओनर ने कहा था कि हवा इसमें हमने चेक ही नहीं करे, बहुत अरसा हुआ। बाकी सफाई का काम है सिर्फ इंजन रूम का, इंटीरियर को मैं खुद ही हाथ लगा लूँगा, कोच के मैं कहा पूछते रहते हैं कौन सा तो वो इंशाल्लाह हाथ लगा लेंगे उसको। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि 2023 के जिन में मतलब पहले फर्स्ट मंथ में हमने कोरोला GLI ऑटो ली थी 2019 मॉडल सिल्वर कलर में, और 2024 के भी जनवरी में शुरुआत मतलब कोरोला से हो रही है, अल्लाह करेगा इसमें भलाई होगी कोई, बाकी ओके माशाल्लाह। उसका जो ब्रेक कैलिपर है ना ये लाल वाला, ये निकला हुआ है पीछे का, ये लगवाऊंगा मैं, बाकी आप माशाल्लाह गाड़ी देख करें भुलेगी तो VIP रहेगी। मेरे साथ अजीम भाई हैं, क्या अजीम भाई, शुक्र है अल्लाह, खुश हैं आप, ठीक है, अमन वाले फिट पाट माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। फरहान भी हैं, फरहान प्रो मैक्स, फरहान प्रो मैक्स, ये इस पे जो लगा हुआ था ना गन कचरा साफ करा रहा हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे है, मैंने कहा गाड़ी का लुक तो ओके हो रहा है, टचअप नहीं है गाड़ी, और अगर इसको सेल करूँगा तो 45 डिमांड है। 19 मॉडल GLI ऑटो, डीजल लगा रहा है इसको, डीजल नहीं मट्टी का तेल है, मट्टी का तेल है, डीजल से भी उतर जाता मट्टी का तेल से, ये मिट्टी का तेल है, गैसलेट मतलब, ये जो आपको चमक नजर आ रही है निशान निशान, जीरो मीटर हो जाएगा ये, ये कंपाउंड लगा रहा, ये बिफोर है देख रहे हो पूरा करीब से दिखाऊँ, ये बिफोर है, ये सारा साफ करना है, लोग पता नहीं कैसे शौक करते हैं, शौक है लोगों के, हर किसी का शौक है, ब्लैक पेपर चढ़ा हुआ है, शीशे भी काले हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा, मैंने तो गाड़ी चले, और ये मोनोग्राम शायद मैं नया लगाऊँ या इसको ही थिनर से साफ कर देंगे, अबे ये पेपर तो नहीं है, नहीं 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 कलर है, कलर है, कलर है, पॉलिश का, बम्पर कलर का, जो भी हो बॉडी किट हो स्पेंडर होते हैं नीचे वो लगवाने हो आपको, अजीम वालों से आप रब्ता करना, ये भी अपन ग्रैंडर से करते हैं, अभी लाइट चली गई, क्या करें हाथ से करनी पड़ेगी, हाँ ना, मेहनत कर तू पसीना बहा। पिछले साल भी इसी महीने में ली थी सिल्वर कलर की GLI ऑटो, याद है कितनी आई और कितनी, बहुत है टेप एक दो जगह पे वो बाद में हटा, नहीं नहीं कहाँ साफ हो गई, जीरो मीटर हो गई, हाँ ये छोटा था, ये तो कपड़े में भाई देखो कैसी होगी, जीरो मीटर होगी, ओके रिम को भी मैं सोच रहा हूँ, रिमों को चमकीला ब्लैक मतलब ग्लोस ब्लैक करा दूँ, अच्छी लगेंगी, या आप सिल्वर करा दूँ आप कमेंट्स में बताना, मेहनत चल रही है मेहनत, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं कराता, हर कोई नहीं करवाता, रिम जो है ना उसको सिल्वर कराऊंगा इंशाल्लाह, और भी आप मुझे बताना क्योंकि अंदर से सिल्वर है, उसको उन्होंने ब्लैक पेंट मारा हुआ है, चमकीली सिल्वर हो जाएंगी, और उसको भी अभी हमने उतारा है वॉशरूम, देखने खाने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी छुपा दी है, ये देखो अंदर, ये देखो ब्रेक लीवर धुलेगा तो ऐसा हो जाएगा नया, अभी धुलाऊंगा गाड़ी, उतर जा, कैसे कैसे शौक है यार लोगों के यहाँ, तो वही था व्लॉग, मुझे वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और यार इतने दिनों से मैं गायब कहाँ था, तकरीबन 2-3 महीने तो हो गए मेरे ख्याल, 2-3 महीने हो गए या 2 महीने हुए शायद, जिन जिन लोगों ने पूछा उनके उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, आपने पूछा आपने याद किया मुझे, तो हमें याद कीजिएगा हमेशा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और दूसरा है कि यार थोड़ी सी ब्रेक ले रहा था यूट्यूब से और कुछ भी नहीं, और काम अभी ठंडा था फुल ठंडा, अभी भी ठंडा है गाड़ी का, एक्वा भी एक ही खड़ी है जब से ली थी बिकिनी, तो थोड़ा सा मार्केट डाउन हो गई थी, अब जाके स्टेबल हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी बिक जाएगी, टेंशन नहीं है, खड़ी की शोरूम पे आज़ाद भाई का शोरूम है इधर वादू आप वहाँ पर खड़ी की, बाकी GLI जो है इसका सीन ये है कि इसको कल जो है सुबह, क्योंकि जुम्मा है तो
जो मैं बात छुपा उसको सर्विस कराऊंगा फुल। उसके बाद फिर जो है जो बम्पर का काम है, शायद बम्पर अगला चेंज हो, चेंज होगा वो आपको मैं तभी बताऊंगा उसमें मसला क्या है। बम्पर टचअप भी नहीं है इस गाड़ी के, क्योंकि शोरूम वाले की गाड़ी नहीं है जिससे लिए पार्टी डायरेक्ट फर्स्ट ओनर गाड़ी, तो वो आपको पता है बचत में थी गाड़ी, उसके बम्पर भी चेंज नहीं है। और फ्लीट जो है अपने वाली होंडा फ्लीट आपने देखी होगी जो हमने ली थी, वो भी हम बेच रहे हैं। अगर किसी को वाकई चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आप दोनों चीज़ों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और क्या बोलते हैं डिमांड वगैरह सारी आप मुझसे वहाँ पूछ लीजिएगा, वो तो पूरी जेन्युइन है, वो भी पूरी जेन्युइन है। वो तो ऐसे बोल रहा जैसे ये टचअप है, ये भी जेन्युइन है, वो भी जेन्युइन है। वो बेचनी है गाड़ी, क्यों बेचनी है, क्या क्यों कैसे, तो वो फिर कभी बात कर लेंगे, उसका अलग ब्लॉग बनाऊंगा मैं, उसमें से भी सामान सारा निकालूंगा। सामान बस ये साउंड ही लगाया था उसमें तो बस। और कोरोला में ऑयल वगैरह भी सारा चेंज करना है, उसका भी हम अभी तो चैप्टर है शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसके जो पार्ट है वो 1 2 3 करके 1 2 3 4 करके हम चलाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।